दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, जातिगत गणना पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, नीतीश सरकार को बड़ी राहत। जी हां देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। नीतीश सरकार को फिलहाल राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जाति गणना के खिलाफ दायर सभी याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर विभिन्न याचिका दायर की गई। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जातिगत गणना के जरिए नीतीश सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। वहीं नालंदा के सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार ने अपनी याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका कहना है कि नीतीश सरकार का जातिगत गणना कराने की अधिसूचना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो वहीं देखिए, जातिगत जनगणना पर एससी के फैसले से गदगद हुए नीतीश, बोले हम तो पहले ही कहते थे इसमें कोई गलती नहीं है। जी हां देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करें, जिसके बाद अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि हम गणना नहीं करवाएंगे, यह तो सबके फायदे के लिए करवाया जा रहा है। हम तो पहले ही बता दिए थे कि यह जाति आधारित गणना है, ना कि जनगणना। हम लोग इससे जानना चाहते हैं कि बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, उसी के हिसाब से बजट भी लाया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख से पहले करें आवेदन। यह देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परीक्षा बोर्ड से वर्ष 2021 व 22 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा वर्ष 2021 में 10,000 व परीक्षा वर्ष 2022 से 25,000 रुपए मिलेंगे। NIC द्वारा विकसित एक कल्याण पोर्टल को medhasoft यानी कि medhasoft.bihar.nic.in के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्राओं को इंटर परीक्षा का पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्मतिथि, नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अविवाहित होने की घोषणा अंकित करनी होगी। इसका सत्यापन जिला मुख्यालय करेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार को ठंड से निजात मिलने के आसार, एक दिन से तापमान बढ़ने का है पूर्वानुमान। जी देखिए, बिहार में लगातार 20 दिन से चल रही कपकपाती ठंड के बाद शुक्रवार से शीतलहर से मुक्ति मिलने जा रही है। IMD का कहना है कि शीतलहर की स्थितियों के लिए जरूरी मौसमी दशाएं कल तक समाप्त हो जाएगी। वहीं 21 जनवरी से बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार भी दिख रहे हैं। फिलहाल प्रदेश को कनकनी और गलन से राहत मिलेगी। वहीं देखिए, IMD के मुताबिक 25 जनवरी के बाद से प्रदेश में कुछ मौसमी दशाओं में बदलाव होने की संभावना है। बादल छाए रहने के आसार भी जताए गए, हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं होने से पटना हाईकोर्ट नाराज, दिया ये आदेश। जी हां देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए समुचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक नई लोकहित याचिका शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ ने इसके पहले एक समाचार पत्र में इससे संबंधित छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि बालिकाओं के लिए शहर के कई सरकारी स्कूलों में शौचालय की काफी कमी है, इस कारण भी छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती है। वहीं कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आखिर राज्य में बालिकाओं को स्कूल छोड़ने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है। खंडपीठ ने कोर्ट मित्र को कहा कि वह इस बारे में अपना सुझाव कोर्ट को दे ताकि उस पर विचार कर अमल किया जा सके। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इस मामले में सरकार का पक्ष रखने का आदेश दिया है।
बड़ी खबर में देखिए, अब आपको इंतजार नहीं, दो मिनट में होगी बिजली बहाल। मोबाइल ऐप से जोड़ेंगे स्मार्ट मीटर, जानिए कैसे करेंगे काम। जी हां देखिए, राज्य में स्मार्ट मीटर से जुड़ी उपभोक्ताओं की परेशानी कम होने लगी है। रिचार्ज के घंटों बाद बिजली बहाल होने की समस्या को दूर कर लिया गया है। अब उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद महज 1 से 2 मिनट में बिजली मिल जाएगी। इतना ही नहीं, नॉन कम्युनिकेशन गैपिंग एक बड़ी समस्या थी, इससे भी राहत मिलेगी। नॉन कम्युनिकेशन गैपिंग में यह समस्या आ रही थी कि मोबाइल ऐप पर बिजली खपत और पैसा कटने की जानकारी नियमित नहीं मिल पा रही थी। लोगों में इसको लेकर पैसे अधिक कटने के संशय बना रहता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप पर बिजली खपत की जानकारी रोजाना मिलने के साथ पैसा कटने की सूचना भी नियमित मिलेगी। अभी तक सर्वर की क्षमता कम होने से यह समस्या बनी हुई थी। बड़ी खबर में देखिए, राज्यपाल फागू चौहान ने दिया विश्वविद्यालय को सत्र सुधारने का टास्क। यह देखिए, राजभवन ने सभी विश्वविद्यालय को सत्र सुधारने का टास्क सौंपा है। शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने सभी के साथ विश्वविद्यालय के कार्यों और उनके साथ पाली की गई बैठकों में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने हर हाल में कुलपतियों को विश्वविद्यालय का सत्र नियमित करने को कहा है। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की सारी लंबित परीक्षाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा डिग्री का वितरण, महाविद्यालय एवं इनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सेवानंतर लाभ एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी विशेष रूप से समीक्षा की गई। बैठक में राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि न केवल सभी परीक्षाएं समय पर ली जाए, बल्कि उनका परिणाम भी समय पर घोषित की जाए, ताकि सत्र में अनियमितता न हो सके। सत्र नियमित न होने से छात्र छात्राओं को कई तरह की परेशानी होती है। बड़ी खबर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई टली। बिहार सरकार ने मांगा है 2 हफ्तों का समय। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है। बिहार सरकार द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके कारण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के जेके महेश्वरी की पीठ के समक्ष सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बारे में कहा गया कि बिहार सरकार ने आरक्षण के बारे में बिना कुछ सोचे समझे नगर निकाय चुनाव करवाया है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुके हैं, तो ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना कोर्ट की अवमानना है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से कर दी है बड़ी मांग। कहा, संसद में अलग से पेश हो रेल बजट। जी हां देखिए, आने वाले 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 27 बैठकें होगी। 31 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेगी, जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेगी। इसी बीच समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, उसी तरह से पेश हो देश के आम बजट से रेलवे के बजट को अलग कर संसद में पेश किया जाए। बड़ी खबर में देखिए, 1 फरवरी को जेईई मेन और बिहार बोर्ड दोनों की परीक्षा, छात्र परेशान, एनटीए को भेज रहे हैं शिकायत। जहाँ देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई मेन के पहले सेशन परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया है। रिवाइज शेड्यूल के अनुसार अब जेईई मेन 1 फरवरी तक चलेगी, जबकि पहले सेशन 1 की परीक्षा 31 जनवरी को समाप्त हो जाती है। जो भी छात्र पहले सेशन की मेन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट कर रिवाइज्ड डेट शीट चेक कर सकते हैं। तो वहीं देखिए, जेईई मेन जनवरी सेशन की परीक्षा में स्टूडेंट की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। परीक्षा शहर और परीक्षा की तिथि जारी होने के बाद अब 1 फरवरी को बिहार बोर्ड में मैथ्स की परीक्षा है और इसी दिन जेईई मेन की परीक्षा भी है। इसे लेकर बिहार बोर्ड के 5000 से अधिक स्टूडेंट चिंतित हो गए हैं। बता दें कि सबसे अधिक बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जिनकी परीक्षा 1 फरवरी को और उसी दिन जेईई मेन की परीक्षा भी है। इसके अतिरिक्त कई स्टूडेंट ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनकी 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी इन्हीं तिथियों में टकरा रही है। ऐसे में यदि स्टूडेंट का परीक्षा केंद्र दूसरे शहर में होता है, तो उसके लिए संबंधित स्कूल में प्रैक्टिकल देना भी संभव नहीं हो सकेगा।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र पढ़ सकेंगे 9 वोकेशनल कोर्स। इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। याद रखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। 2023-24 सत्र में 10वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऐच्छिक विषय का चयन करने वाले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिक्र करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्तंभ 25 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी राज्य के कुछ चिन्हित विद्यालयों में ही ऐच्छिक विषय की पढ़ाई शुरू की गई है। इसकी सूची बोर्ड ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। स्टूडेंट 8वीं विषय के रूप में किसी एक सब्जेक्ट को शामिल कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम एवं आईटी से ट्रेड को 8वीं विषय के रूप में शामिल किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नया सिम लेना होगा अब और मुश्किल। प्री एक्टिवेटेड सिम बेचने पर होगी कार्रवाई। या देखिए, बिहार में नया सिम लेना अब और मुश्किल हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को मोबाइल कंपनियों और सिम बेचने वालों पर नजर रखने को कहा है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय अब एक्शन मोड में है। बिहार पुलिस के अपराध इकाई के अतिरिक्त महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने तमाम जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि जिले में हर हाल में खुदरा विक्रेताओं और दूर संचार कंपनियों पर नजर रखे और TRI के सिम कार्ड पंजीकरण नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। फर्जी दस्तावेज की मदद से खरीदे गए सिम कार्डो का साइबर अपराधी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इसको रोकने के लिए प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने टेलीकॉम कंपनियों से भी फर्जी दस्तावेज पर जारी सिम कार्ड वाले ग्राहकों के संबंध में सूचित करने को कहा है। बड़ी खबर में देखिए, विजय सिन्हा को बंगला खाली करने का फरमान। नीतीश सरकार ने कहा 26 जनवरी से पहले नए घर में जाए। जी देखिए, भवन निर्माण विभाग ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को 26 जनवरी के पूर्व वर्तमान आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग को खाली करने को कहा है। यह आवास बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर करना कित है, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए आवास संख्या 1 पोलो रोड स्थित आवास आवंटित है। भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव मनीष कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के आपात सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। घर में देखिए, बिहार में जल्द खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज। राज्य सरकार ने दी मंजूरी, इन जिलों में छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में 9 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर, कटिहार जिले में मनिहारी, बेगूसराय जिले में तेगड़ा व बलिया, पूर्णिया जिले में बायसी, दरभंगा जिले में बेनीपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य योजना मद से जारी की गई है। सोमवार को मंजूर राशि में से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना मद में इन डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 21 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिम्मेदारी गई है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में केवल 5 करोड़ रुपए सोमवार को जारी किए गए हैं। महालेखागार को इससे अवगत करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।